यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी फोर ऐप से कॉल करें, डाउनलोड करें कॉल मी फोर ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। आदेश। कई बार जीवन में व्यक्ति के साथ ऐसा घटित तो होता है जिसके विषय में उसने कभी सोचा ही नहीं होता है, और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया होता है। और क्यों होता है? इस क्यों का कारण है ईर्ष्या, जलन, द्वेष, प्रतिस्पर्धा। तो आखिर क्या है ये चीज? ये चीज है सिद्धियों का बंद कर देना। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है, और सिद्धियों का या शक्तियों का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता है कि कोई शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएगी या कोई सिद्धि आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएगी। सिद्धि का अर्थ ये भी होता है कि कोई शक्ति आपसे ध्यान के माध्यम से वार्ता करती है, ध्यान के माध्यम से आपको कुछ बताती है, तो इसके बाद जब उस सिद्धि को कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो वो दिखनी बंद हो जाती है। सिद्धि को बंद करने का अर्थ यह भी होता है, सिद्धि का अर्थ यह भी होता है कि जब कोई मंत्र आपके पास है और आप उस मंत्र से कार्य करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि वही मंत्र काम करना बंद कर देता है। सिद्धि बंद करने का अर्थ यह भी होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जीवन में, तमाम गतिविधियाँ होती हैं, बहुत कुछ घटित होता है। हमारे पास एक ऐसे ही बंधु की समस्या आई हुई थी। उनके पास कुछ ऐसी कला थी कि वो हवा में सामान मंगा लेते थे, और ये कोई हाथ की सफाई नहीं थी, ये उनका हुनर था जो उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था। तो वो हवा में कुछ भी सामान मंगा लेते थे, कुछ भी चीज़ आ जाती थी, और उन्होंने सिखाने के लिए एक चेले को रखा हुआ था अपने पास, और उस चेला बड़ी सेवा करता था। सेवा क्यों करता था? इसलिए करता था क्योंकि वो ये जाहिर करना चाहता था कि हम आपको अति प्रेम करते हैं गुरुदेव, और गुरु उसको वो विद्या सिखाए। लंबे समय तक वो चेला अपने गुरु के साथ रहा, लेकिन जब उस चेले को लगा कि गुरु अभी ये विद्या नहीं सिखा रहा है, तो एक दिन वो अपने गुरु को गंगा जी लेके गया और बोला, चलो गुरुदेव गंगा स्नान करने चलते हैं। और उसने कुछ ऐसी क्रियाएं करवाई वहाँ पे कि जब गुरुदेव गंगा जी स्नान करके बाहर निकले और दो चार दिन बाद जब उन्होंने अपनी शक्ति का आवाहन किया और हाथ में सामान मंगाने की कोशिश करी हवा में मंत्र पढ़ते हुए, तो सामान नहीं आया उनके पास, ना ही वो शक्ति आई। इसके बाद उस चेले ने अपने गुरु को बोला कि मैंने तुम्हारी सिद्धियाँ बंद कर दी हैं, अब जिससे खुलवाना हो खुलवा दो और मत सिखाओ मुझे चीज़ें। तो ये है वास्तविकता जीवन की, ये है वास्तविकता गुरु और चेले की, और ऐसे तमाम अनगिनत चेले भरे पड़े हैं इस दुनिया में। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई गुरु ऐसा होता है जिसके पास सिर्फ ये विद्या होती है, तो कोई व्यक्ति या कोई गुरु ऐसा भी होता है जो अपनी चीज़ों को खोलना जानता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम बातें होती हैं। तो इस तरीके से उस चेले ने अपने गुरु की सारी विद्याएं, सारी शक्तियां बंद कर दी थीं। और ऐसे हमारे पास और भी लोगों के कॉल आए, कुछ लोगों की समस्या आई जिन्होंने बताया कि उनके गुरु ने नाराज होकर उनकी सिद्धियां बंद कर दी। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनमें से एक दो लोगों के हमने कार्य किए और उनकी जो चीज़ें बंद थीं उनको हमने खोल दिया, और खोलने के बाद बाबा महाकाल की कृपा से वो दोबारा से उन्हें संकेत मिलने शुरू हो गए। दोबारा से उन्हें अपने अंदर एहसास होने लगा कि हाँ, उनकी जो पहले स्थिति थी वो वापस आ चुकी है उनके साथ। तो इस तरीके से ये पारालौकिक जगत है, इस तरीके से लोग शक्तियों को बंद कर देते हैं, इस तरीके से लोग सिद्धियों को बंद कर देते हैं या फिर उनसे छेड़छाड़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई साधना करी, आपने किसी शक्ति को बुलाया, मान लीजिए आपने काल भैरव बाबा की साधना करी और किसी व्यक्ति ने
आपसे भी बड़ी साधना करी तो वो किसी मंत्रों की छेड़छाड़ करके आपकी जो शक्ति है आपके और आपकी शक्ति के बीच में एक काला पर्दा डाल देगा। काले पर्दे का मतलब है यानी कि कनेक्ट ना हो पाना, आप अपनी चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे। शक्ति आपके साथ ही होगी लेकिन आप कभी देख नहीं पाएंगे उस शक्ति को, जबकि पहले आप देख पाएंगे लेकिन जब आपके साथ कुछ ऐसी छेड़छाड़ कर दी जाएगी उसके बाद आपकी शक्ति आपको नज़र नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो ऐसी विद्याओं का भी इलाज है, ऐसी चीज़ों का भी इलाज है, वो भी खोलने की कलाएं होती हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने किया, कई सारे लोग आए, कई सारे व्यक्ति आए, कभी कोई मेरे ऊपर कुछ प्रयोग कर देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मेरे जो गुरुदेव है, मेरे गुरु ने मुझे काटना भी सिखाया, और किसी चीज़ को कोई व्यक्ति अगर बंद कर देता है तो उस चीज़ को खोलना भी सिखाया, और खोलने के बाद उस व्यक्ति की सिद्धियां कैसे बंद करनी है ये भी सिखाया। तो कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, किसी व्यक्ति ने, किसी चेले ने कुछ छेड़छाड़ करी थी, और इसका नतीजा ये निकला कि जो उन्होंने छेड़छाड़ करी थी तो वो चीज़ें तो वापस आ गई, लेकिन उनकी जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। यानी कि बहुत कुछ है इस संसार में, और जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ईर्ष्यालु व्यक्ति निश्चय ही आपकी साथ ऐसी स्थिति करता है कि आप नीचे गिर जाएं। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसका कारण जलन भी है, ईर्ष्या भी है, प्रतिस्पर्धा भी है। जब किसी चेले को ये एहसास होने लगता है कि वो अपने गुरु से सर्वश्रेष्ठ है, तब वो चेला एक ऐसी गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। वो चेला अपने गुरु से ही प्रतिस्पर्धा करने लगता है, अपने गुरु से ही प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति बना लेता है कि कैसे हम गुरु को पटकें, कैसे हम गुरु को पटकने लगाएं। बस यहीं से ही उस चेले के पतन के मार्ग शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद ये होता है कि उस गुरु द्वारा सिखाई हुई सारी की सारी विद्याएँ अपने आप से स्वतः से ही उस चेले को छोड़ के जाने लगती हैं, और वो सब बंद होने लगता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं। तो इस तरीके की समस्या का भी इलाज होता है, यदि किसी व्यक्ति की किसी विद्या को किसी व्यक्ति ने बंद किया है तो उनको भी खोलने की स्थितियां होती हैं, लेकिन उनमें बहुत ही ऐसी समस्याओं वाली चीज़ें होती हैं जिनको आसानी से नहीं खोला जा सकता है, लेकिन खोलना संभव है यदि आपको मानस विद्याओं की गूढ़ क्रियाएं आती हैं। वो क्रियाएं आती हैं जो विवश तंत्रम मार्ग के अंतर्गत आती हैं, जो क्रियाएं अपने आप में ही ऐसी क्रियाएं हैं कि उनको करने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचेगा, क्योंकि वो क्रियाएं होती ही बड़ी जटिल और अटपटी हैं। तो इस तरीके की समस्याएं होती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं इस क्षेत्र में। कोई भी व्यक्ति किसी की भी विद्या को बंद कर देता है, और जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो जानकार होता है वो अपनी विद्या को खोल लेता है, यदि जो जानकार नहीं होता है वो कभी नहीं खोल पाता है अपनी विद्या को। तो मेरे साथ तो तमाम लोगों ने ऐसा किया, कोई बड़ी बात नहीं है, करते भी रहते हैं मेरे साथ लोग छेड़छाड़ चीज़ों को बंद करने की, लेकिन वैसा होता नहीं है, क्योंकि बंद उसे किया जा सकता है जो प्रत्यक्ष और तंत्र मार्ग की क्रिया है, लेकिन जो मानस विद्या की क्रिया है उसको बंद नहीं किया जा सकता है, उसको सुसुप्त किया जा सकता है, उसके बीच में पर्दा डाला जा सकता है। लेकिन यदि आपके गुरु ने आपको पर्दा को हटाना सिखाया है, उस स्थिति को दूर करना सिखाया है, तो निश्चय ही आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। यदि आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कीजिए जो इन चीज़ों को जानता है, यानी कि आपकी किसी सिद्धि को किसी व्यक्ति ने बंद कर दिया है या आपके साथ ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर दिया है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो उन चीज़ों को खोल सके। खोलने के बाद जो आपकी सिद्धि है पुनः आपसे संपर्क करने लगती है, पुनः आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे आप पहले महसूस कर रहे होते हैं दोबारा से आपकी जिंदगी में वैसी ही स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।